यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज HNO3। इट इज वन ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है तीन तरह के ऑक्सो एसिड्स की फॉर्मेशन करता है, दैट इज H2N2O2, HNO2 एंड HNO3। व्हाट इज द नेम ऑफ H2N2O2? द नेम ऑफ H2N2O2 इज हाइपोनाइट्रस एसिड। HNO2 नेम्ड एज नाइट्रस एसिड and HNO3 named as nitric acid. What is the structure here? Oxo acids of nitrogen, N double bond N, OH, NOH. This is the structure of hyponitrous acid. Next, nitrous acid. Nitrous acid have this type of structure. Double bond, N double bond O. This is the structure of nitrous acid, and nitric acid is HONO and double bond O. This is the structure of nitric acid. So among these type of oxo acids of nitrogen, nitric acid is most important. So in this lecture, we discuss here about nitric acid due to its unique chemical properties. So it show very different type of chemical properties. Now we discuss here properties and preparations of nitric acid. Now the preparation of nitric acid. तो नाइट्रिक एसिड को लेबोरेटरी मेथड में किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है कि जब सोडियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है H2SO4, तो इट विल फॉर्म NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो दिस इज द लेबोरेटरी मेथड जिसमें सोडियम नाइट्रेट जो है जब H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, इट विल फॉर्म सोडियम बाइसल्फेट एंड गिव नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट आता है कमर्शियल स्केल पर नाइट्रिक एसिड का कैसे प्रिपरेशन होता है। तो कमर्शियल स्केल पर नाइट्रिक एसिड जो है वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर की जाती है। क्या किया जाता है इसके अंदर, जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होता है एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट, टेम्परेचर एट 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर, तो जो अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो इट विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यहाँ पे वापस से रीजनरेट हो जाता है और इस तरीके से जो कंटिन्यूस प्रिपरेशन है HNO3 की वो हमें ऑब्टेंड होती है। तो दिस इज द ओस्टवाल्ड प्रोसेस थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड ऑन कमर्शियल स्केल। तो जो ये जो स्टेप्स है, जैसे अमोनिया पहले ऑक्सीडाइज होता है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो हमें HNO3 मिलता है ये 68% बाई मास के अकॉर्डिंग मिलता है। इसे डिस्टिलेशन के थ्रू इसे सेपरेट आउट कर लिया जाता है और 98% बाई मास HNO3 को ऑब्टेन करने के लिए इसे डिहाइड्रेट किया जाता है विद कंसनट्रेट H2SO4। तो 98% प्योर HNO3 को ऑब्टेन किया जा सकता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो प्योर फॉर्म में कलरलेस होता है, फ्यूमिंग एसिड होता है और इजीली फ्यूम्स की फॉर्मेशन करता है और पंजेंट स्मेल के साथ में होता है। तो जो फ्यूमिंग एसिड होता है वो फ्यूमिंग क्यों होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसे फ्यूमिंग एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टी है कि HNO3 और वाटर, HNO3 विद 68% बाई मास विद वाटर, इस टाइप का जो मिक्सचर है वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। क्या होते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर, जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट को हैव करते हैं। तो HNO3 विद वाटर फॉर्म एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। नाउ वी डिस्कस हियर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं एसिडिक नेचर। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है और इट इज रिडाइली आयोनाइजेस इन इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। तो क्या रहेगी रिएक्शन देखो, HNO3 व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव एंड फॉर्म नाइट्रोनियम आयन, दैट इज NO3 माइनस।
तो इन आयंस की फॉर्मेशन की वजह से, या हम कहें कि ड्यू टू रिलीज ऑफ वन प्रोटॉन, जो नाइट्रिक एसिड है, ये कैसा एसिड है? मोनो बेसिक एसिड है, इट इज मोनो बेसिक इन नेचर. तो बीइंग मोनो बेसिक इन नेचर, इट गिव्स व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, इट गिव्स नाइट्रेट्स. तो क्या रहती है, देखो रिएक्शंस, जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में HNO3 रिएक्ट करता है तो इट विल गिव कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस एंड फॉर्म वाटर. इस तरीके से अगर हम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद HNO3 इट विल फॉर्म, एक तो बनाएगा क्या ये सोडियम नाइट्रेट, और साथ में किसकी फॉर्मेशन करेगा H2O एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं तो यहाँ पर फिर से किसकी फॉर्मेशन होती, सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती. तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो HNO3 है ये मोनोबेसिक होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ वन प्रोटॉन. तो जब ये मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ में या बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देता है तो ये सीरीज देता है किसकी, किस टाइप के साल्ट्स की, नाइट्रेट साल्ट्स की फॉर्मेशन करता है. तो दीज आर द रिएक्शंस विच एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नाइट्रिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. तो जब ये कंसंट्रेट फॉर्म में होता है तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और जब ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है तो ये तीन नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है. तो ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. तो इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो जस्टिफाई करते हैं नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को. तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट HNO3 के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, और लेकिन जो कंसंट्रेट HNO3 है ये नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देती है. फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में. तो व्हाट इज द रिएक्शन हियर, व्हेन HNO3 कंसंट्रेट HNO3 gives H2O plus nitrogen dioxide and release one nascent oxygen. तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि dilute जब HNO3 होता है तो ये decomposition पे nitric oxide की formation करता है, और concentrated HNO3 जो है nitrogen dioxide की formation करता है. तो अब देखते हैं क्या reaction रहती है. तो it is decomposition reaction of HNO3 and it release one nascent oxygen. तो अब जब carbon है वो इस oxygen को जब trap करेगी तो इट विल ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या रहेगी, ओवरऑल रिएक्शन जो है हमारे लिए रहेगी नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगी. तो इस ऊपर वाले रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4HNO3 2H2O 4NO2 एंड 2NO. तो यहां पर हमें नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करना है क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स हैं. What is our overall reaction? Our overall reaction is 4HNO3 plus carbon. यहाँ पर बनेगा 2H2O plus CO2 plus 4NO2. तो overall हम ये देख सकते हैं कि carbon जो है वो oxidized हो गया है to carbon dioxide. तो it is oxidized in presence of HNO3, concentrated HNO3. Dilute HNO3 non metal के साथ में कोई भी reaction है. और एग्जांपल ले लेते हैं जो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्जांपल आयोडीन जो है वो आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाती है. तो HNO3 जब डिकम्पोज होगा इट गिव वन नेसेंट ऑक्सीजन, आयोडीन नेसेंट ऑक्सीजन को ट्रैप करेगी और आयोडीन पेंटा ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी. आयोडीन पेंटा ऑक्साइड मॉइस्चर के प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन करेगी, HIO3 दैट इज आयोडिक एसिड. तो आयोडीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गई है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी, इंटरमीडिएट्स फाइनल रिएक्शन में अपीयर नहीं होते. तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल आउट करने के लिए हम फर्स्ट रिएक्शन को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर हमें रिएक्शन में क्या मिलेगा, देखो यहाँ हो जाएगा 10 HNO3 5 H2O 10 NO2 एंड 5O. तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट, I2O5 से I2O5 कैंसिल आउट, वाटर और यहाँ पर ये
फोर वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी? ओवरऑल रिएक्शन वी हैव HNO3 प्लस I2 एंड प्रोडक्ट साइड में हमें क्या मिलेगा? 2HiO3 प्लस 4H2O प्लस 10NO2। तो दिस इज अवर ओवरऑल रिएक्शन। हम इसमें देख सकते हैं कि आयोडीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। और यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? यहाँ पे देखो ये प्लस वन है और ये माइनस के सिक्स है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस फाइव। तो जीरो से प्लस फाइव हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो नाइट्रिक जो एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड जो है ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करती है। और हम एग्जांपल ले लेते हैं जो नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो इससे पहले वाली जो रिएक्शन हमने क्या देखी थी? नॉन मेटल के साथ में देखी थी। अब हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर को देखते हैं विद कंपाउंड्स। तो जो नाइट्रिक एसिड है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड भी और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी, ये कंपाउंड्स को क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू सल्फर। तो व्हाट इज द रिएक्शन यार? देखो 2HNO3 जब डिकम्पोज होगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड रिलीज वन नेसेंट ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इस नेसेंट ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, तो सल्फर यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस फॉर्म में? जो सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू सल्फर। व्हाट इज ओवरऑल रिएक्शन? ओवरऑल रिएक्शन वी हैव 2HNO3 प्लस H2S एंड हियर इज 2H2O प्लस सल्फर प्लस 2NO2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू है और यहाँ कितना आ गया? जीरो। माइनस टू से जीरो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये तो थी कंसनट्रेट HNO3 के साथ में। फिर किसी तरीके से डाइल्यूट HNO3 भी जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि अगर हम कंसनट्रेट HNO3 की जगह डाइल्यूट लेते हैं तो यहाँ कितने नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे? यहाँ 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे। और फिर हम इसे बैलेंस करेंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ट्रैप होगी सल्फाइड के थ्रू और यहाँ पे वाटर और सल्फर की फॉर्मेशन होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स चेंज करने हैं। ओवरऑल रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि कंसनट्रेट HNO3 भी और डाइल्यूट HNO3 दोनों ही कंपाउंड्स जो है सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं टू नेक्स्ट कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने की रिएक्शन हम ले लेते हैं। तो जो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है और जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो फेरस सल्फेट, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन इज व्हेन HNO3 गिव्स वन नेसेंट ऑक्सीजन, तो जो फेरस सल्फेट है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन को ट्रैप करके किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? फेरिक सल्फेट में। तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्लस थ्री ऑफ आयरन। तो इस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलेगी? इंटरमीडिएट कैंसिल आउट हो जाते हैं, वी हैव द फाइनल रिएक्शन HNO3, FeSO4, H2SO4। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री हो जाता है। तो HNO3 प्लस टू से प्लस थ्री में आयरन को कन्वर्ट कर रहा है, तो आयरन जो है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन लें तो सिर्फ हमें कहाँ चेंज करना है? यहाँ डाइल्यूट आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और कितने नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे? 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे। तो हमें इन 3 नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल आउट करने के लिए इस नीचे वाली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएक्शन में? 6FeSO4, 3H2SO4, 3O, 3Fe2SO4 एंड 3H2O। तो नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनल रिएक्शन हमें क्या मिलेगी? देखो यहाँ पे 2HNO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 और यहाँ हो जाएगा 3Fe2SO4 ट्राइस प्लस 4H2O एंड प्लस 2NO। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो फेरस है प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो किसमें चेंज हो रहा है? प्लस 3। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कंसनट्रेट HNO3 और डाइल्यूट HNO3 एसिडिफाइड फेरस सल्फेट को इसमें ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक सल्फेट। प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं रिएक्शन विद मेटल। तो जो नाइट्रिक एसिड है जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन करता है और उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है।
तो डाइल्यूट है तो ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और अगर कंसनट्रेट फॉर्म में है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं तो उनके साथ में अगर कंसनट्रेट HNO3 रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म मेटल नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, पैसिव मेटल्स होती हैं, जैसे सिल्वर जब डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करता है तो ये भी यहाँ पर नाइट्रेट की फॉर्मेशन करता है, वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है और मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, तो इस टेस्ट में क्या होता है कि जो साल्ट नाइट्रेट आयन को कंटेन करता है उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 ऐड करते हैं और उसके अंदर फिर हम कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करते हैं अलोंग द साइड वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर दो लिक्विड का जंक्शन होता है, जैसे जहाँ पर दो लिक्विड का जंक्शन होता है उस जंक्शन पे एक ब्राउन रिंग अपीयर होती है। तो इस ब्राउन रिंग के अपीयर होने की वजह से इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट कहा जाता है, जो कि यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन। तो ओवरऑल इसकी केमिस्ट्री क्या है कि जो नाइट्रेट आयन है ये Fe2+ से कंबाइंड होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड Fe3+ आयन की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो Fe2+ आयन है ये फर्दर किसके साथ में कंबाइन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में, और एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। तो इस ब्राउन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन होती है और इसे यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पर जो आयरन है इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहता है, तो इसका एक्चुअल नेम क्या है यहाँ पे, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयन, आयरन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो एबिलिटी है Fe2+ आयन की नाइट्रिक ऑक्साइड से कंबाइन होने की, तो उसकी इस एबिलिटी की वजह से ब्राउन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और ये जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स जो है ये नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करता है किसी साल्ट के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। नाउ यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो पहला यूज है इसका एज लेबोरेटरी रीजेंट, नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया की प्रिपरेशन में, जो गोल्ड और सिल्वर के प्योरिफिकेशन में यूज होता है। तो एक्वारेजिया इज 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। तो ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट क्लोरीन इट डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल। नेक्स्ट है इट एज ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल में एज ऑक्सीडाइजर जो HNO3 है उसका यूज होता है, क्योंकि HNO3 नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क को प्रिपेयर करने में जो HNO3 है उसका यूज होता है एज ए रीजेंट। एंड नेक्स्ट जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट HNO3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर प्रिपरेशन, देन प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस। तो